लाने से नहीं रोक सकता। so जल्दी-जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल सबके एग्जाम शुरू ही हो जाएंगे तो अगर अभी भी अपने ध्यान नहीं दिया तो बाबू भैया ये लास्ट मौका है इसके बाद सीधा फिर मम्मी के ताने और पापा की टांति पड़ेगी उसके अलावा तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता All right, fit. ठीक है पूरे जोश के साथ हम लोग इस स्ट्रेटेजी को स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर आई बिगिन विद विद्रेटेजी आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मी वन थिंग टू कि हाँ मैम अब ये थर्टी डेज जो है ना ये हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे आप जो भी स्ट्राटेजी बता रहे हो फॉलो करेंगे बिकॉज देखो फायदा नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे बकभगक -बक करती जाऊँ तो मैं ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रैटेजी बताऊ एंड यू इफ यू आर नॉट रेडी टू फॉलो इट सो अगर आप मुझे वो कंसिस्टेंसी का प्रॉमिस करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना मैम आई प्रोमिस एंड आई विल कम बैक आफ्टर थर्टी डेज टू लेट यू नो कि भाई मैंने ये

उसके लिए बेटा देखो ये तो आपको पता ही है कि ये थर्टी डेज की स्ट्रैटेजी मतलब थर्टी डेज से कम में तो काम बनेगा ही नहीं ठीक है और ये स्ट्रैटेजी मैंने स्टिल बहुत रिलैक्स तरीके से बनाई है क्योंकि मैं आपसे सिर्फ दो घंटे मांग रही हूं कि हर रोज आपको दो घंटे देने पड़ेंगे ताकि आप अपने इस ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर सको जो पहले मेरी फोर्टी फाइव डेज सिक्सटी डेज नाइनटी डेज वाली स्ट्रैटेजी आई थी उसमें तो मैं एक एक घंटा भी डिमांड कर देती थी उसमें बोलती थी अगर कोई दिन मिस भी हो जाता है तब भी चलेगा बट अब यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा ठीक है एटलीस्ट टू आवर्स तुम्हें निकालने पड़ेंगे ठीक है अब वो टू आवर्स तुम कैसे

है मोमेंट्स ऑफ वी हाइव उसके अंदर मिला जुला के 25 टॉपिक है तुम आपने चैप्टर्स भी काउंट कर लो तुम अपनी पोम्स भी काउंट कर लो फिर रीडिंग सेक्शन में आपका एक टॉपिक आ जाता है विच इज़ डिवाइडेड इनटू फैक्चुअल पैसेज और दूसरा आपका बन जाता है बेटा डिस्कर्सिव पैसेज राइटिंग गंदी आ रही है बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड है अब बच्चे बोलेंगे मैम आपकी तो राइटिंग वैसी गंदी है बट नहीं बेटा बहुत ठंड है हाथ चल नहीं रहे हैं तो फैक्चुअल और दो टाइप के पैसेजेस हैं इनके लिए मैंने से टाइम निकाला है राइटिंग सेक्शन आपको पता है तीन है आपके पास ठीक है जिसके अंदर आपका स्टोरी राइटिंग डायरी एंट्री ठीक है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ जाता है और लास्ट में बचती है आपकी ग्रामर ग्रामर में पांच टॉपिक्स है अगर डिटेल सिलेबस जानना है तो उसकी अलग वीडियो है चैनल पे आप वो देख सकते हो ठीक है बट बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स मैंने लिए हैं बिकॉज उसी हिसाब से हमारी स्टार्टिंग

एनसीआरटी उठाओ एनसीआरटी से चैप्टर को पहले पढ़ लो अगर रीडिंग नहीं करी अभी तक ठीक है और एक बार रीड कर लिया तो उसके बाद उससे रिलेटेड एक वन शॉट वीडियो या मेरा उमंग सेशन देख लो मेरा कोई भी उमंग सेशन या वन शॉट वीडियो तुम तो उठाओगे सबसे बढ़िया बात है उसमें कैरेक्टर स्केचेस थीम्स सब कुछ इंक्लूडेड है तो सिक्स मार्कर्स थ्री मार्कर्स सब तुम्हारा उसी में इंक्लूड हो जाएगा और कोई भी मेरी वीडियो जो है वो थर्टी मिनट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी तुम्हारी तुम अगर आगे का इंट्रोडक्शन पीछे का क्लोजिंग और वीकोज वगैरह हटा दोगे तो थर्टी मिनट्स में सीरियसली तुम्हारी मैक्स मैक्सिमम वीडियो कंप्लीट हो जाएगी कुछ तो पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट की भी है ठीक है डिपेंडिंग उसका कितनी लेंथ है तो इस तरीके से तुम एक घंटे में तो यार एक कर ही सकते हो चैप्टर आराम से रीडिंग में पंद्रह बीस मिनट लगने हैं आधे घंटे तुम्हें इसको वन शॉट को देखने में लगने हैं स्टिल यूडी लेन मिनट्स ठीक है और अगर पोम कर रहे हो उस दिन तो पोम को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज वन शॉट में ऑलरेडी पोम्स के के सारे के सारे पैसेजेस हमने इंक्लूड करे हैं इंक्लूड करे हैं तो पोम्स वाले टाइम तो तुम चाहो तो अगर चार पोम्स भी एक साथ कर सकते हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसका वन शॉट वीडियो देखना है उसमें लिटरे डिवाइस थीम्स सब कुछ इंक्लूडेड होगा तो ये चौदह दिन ना मैं तुम्हें यही बोल रही हूँ तुम ना बस

ठीक है और हर टॉपिक की वन शॉट वीडियो अगेन थर्टी मिनट्स के बियॉन्ड है ही नहीं जिसमें सारे रूल्स इंक्लूडेड हैं ऑल द रूल्स जिसमें से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक में से तो तुम एक दिन में आराम से कंफर्टेबली चार टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हो अगले दिन आधा घंटा और लगा के तुमने एक और टॉपिक की वीडियो देख ली अब बचा हुआ जो डेढ़ घंटा है ना उसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है बस प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कहां से करो पीवाई से प्रैक्टिस करो क्योंकि क्लास नाइन्थ और टेंथ का ग्रामर सिलेबस डिटो सेम है तो क्लास क्लास के के उठा उठा लो के उठा लो आराम से इंटरनेट पे मिल जाएंगे नॉर्मली भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे उनको प्रैक्टिस कर डालो काफी प्रैक्टिस है तुम्हारे लिए या फिर अगर तुमने ऑलरेडी सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है तो तुम रेफरेंस बुक उठाओ बट मेरा सजेशन होगा कि ग्रामर के लिए हमेशा न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पुराने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके फायदा नहीं है ट्रस्ट भी फायदा नहीं है न्यू को प्रैक्टिस करके फायदा है क्योंकि एक एक वर्ड होता है ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में होता है कि क्या आंसर हो सकता है तो ऑलवेज प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन हो अगर तुम सैम्पल पेपर उठा चुके हो रेफरेंस बुक उठाओ टेस्ट सीरीज चल रही है ना टेस्ट सीरीज में तुम्हें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड तीन तीन सैंपल पेपर मिल रहे हैं तो क्लास नाइन की भी टेस्ट सीरीज ले लो एक नंबर से क्लास टेंथ की भी ले लो छह सैंपल पेपर इसी तरीके से तुम्हें इंग्लिश के मिल जाएंगे तो वहीं से तुम अपनी ग्रामर की और रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत है एम्पल अमाउंट ऑफ मैटर है उसके अंदर तो वहीं से तुम्हारा देखो इतना काम तो बन गया अब डे सेवेंटीन पे और से लेकर डेटी तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी है रीडिंग और राइटिंग सेक्शन की अब रीडिंग सेक्शन के लिए तुम्हें कहीं नहीं भटकना है

तो एक घंटा राइटिंग सेक्शन को देना है, एक घंटा रीडिंग सेक्शन को देना है। रीडिंग सेक्शन के प्रैक्टिस कर सकते हो चार क्वेश्चंस रीडिंग सेक्शन के प्रैक्टिस कर सकते हो हर दिन अगर एक एक भी उठाते हो ढाई घंटा एक्सटेंड कर सकते हो तो रीडिंग सेक्शन के भी हर रोज दो दो अप टू यू जितनी आपकी श्रद्धा उतना टाइम आप डिवोट कर सकते हो ठीक है बट मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस कहां से करनी है अगर रेफरेंस बुक्स नहीं है तो राइटिंग सेक्शन के लिए डायरेक्ट जाओ तुम सीधा गूगल पे गूगल पे भी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर क्लास नाइन बस ये काम करना कि ऑनेस्टली उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ठीक है अब डे ट्वेंटी तक तुम्हारे सारे सेक्शंस तो हो गए अब स्टिल तुम्हारे हाथ में दस दिन बच रहे हैं तो डे ट्वेंटी थर्टी तुम्हें कुछ नहीं करना है. याद है लिटरेचर सेक्शन का हमने सिर्फ और सिर्फ यू you नो know, वीडियोस देखी थी चैप्टर्स पढ़े थे प्रैक्टिस तो अभी तक करी नहीं है तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप इन दस दिनों में करोगे क्वेश्चन करने कहां से है अगेन फ्रॉम सैम्पल पेपर्स या फिर एनसीआर जाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है दस दिन है हर रोज दो दो घंटा भी दोगी ना तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दैट्स इट ये तुम्हारे थर्टी डेज हो गए कंप्लीट और इन थर्टी डेज में तुम्हारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया जहां पे तुम्हें और किसी सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ यू किड्स माइट कम अपम इट माइ इट मे बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक टेक आउट टू आवर्स बेसिस फॉर द्रेटेजी बट गाइस, लेट मी जस्टिंग की जरूरत नहीं है एक घंटे में नहीं time, तो पूरे साल नहीं पड़ा अब तो तुम्हें देखो दो घंटे निकालने गेटअप अर्ली ठीक है मेरा रहेगा, लेट नाइट या अर् मॉर्निंग पढ़ने की कोशिश करो और मैक्सिमम दो स्लॉट में से कंप्लीट कर दो ठीक है अपने दिन के दो घंटे इससे क्या होगा तुम्हारा बाकी के जो दिनचर्या है ना बाकी का जो डेली रूटीन है उसको उस पर कोई भी यू नो इम्पैक्ट नहीं आएगा वो हैम्पर नहीं होगा तो इवन इफ यू स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक इवन लाइक फाइव ए एम पे अगर तुम तो उठ जाओ तो सात एम तक टाइम दे सकते हो बिकॉज आजकल तो स्कूल्स वैसे भी साढ़े आठ से पहले नहीं स्टार्ट होते या अगर तुम रात को बैठना चाहते हो यू आर कंफर्टेबल मोर विद डैट तो तुम रात को आफ्टर डिनर बैठ सकते हो नौ से ग्यारह ठीक है या साढ़े आठ से साढ़े दस वट एवर योर डिनर टाइम इज तो ऐसे और टाइमिंग्स पे अगर तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे ना और अपनी प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारा डेली रूटीन भी हैम्पर नहीं होगा ट्रस्ट भी ऑन दैट ठीक है तो यहाँ से मैंने दो घंटे वाली तुम्हारी प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी है सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर भाई जाके जल्दी जल्दी इन्हों अपनी प्रैक्टिस करो और अगर थर्टी डेज के अंदर अंदर तुम्हें अपने बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिविजन करना है तो द्रोणा ज्वाइन करा कि नहीं करा भाई इट्स अ लास्ट चांस इट्स अ लास्ट चांस द्रोणा ज्वाइन करने के लिए फिफ्टींथ ऑफ जनवरी के बाद बेटा हम लोग नहीं ले रहे हैं और इन टेक्स एंड सबसे बढ़िया बात है ड्रोना का प्राइस भी कम हो गया है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्यों क्योंकि कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको लास्ट वीक की क्लासेस जो है इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिलेंगी तो आपसे हम एक भी फालतू रुपया नहीं चाहते

सीमेंट सिलेबस तो प्लीज भाई मुफ्त की चीज है जल्दी लो सो so, स्टेप्स भी बहुत आसान है बेटा कुछ नहीं करना है जो वीडियो तुम अभी देख रहे हो ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक पे तुम्हें द्रोणा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दूसरे लिंक पे टेस्ट सीरीज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा टेस्ट सीरीज पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा बट बाय कुछ नहीं करना है बस प्रोफाइल अपनी बनानी है तो प्लीज गो हैड डू इट राइट अवे